नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। मैं अभी मौजूद हूं जदयू के प्रदेश कार्यालय में। मैं आपको बता दूं, कुछ देर पहले ही जदयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें अशोक चौधरी और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बता दूँ कि राजद के वरिष्ठ नेता, जो कि जिनका कि बीते दिन देहांत हो गया, दिवंगत रघुवंश प्रसाद बाबू के बेटे सत्यप्रकाश सिंह आज जदयू में शामिल हो गए। कहा जा रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं, राजद से नाराज चल रहे हैं, और ख़ास करके जब उनकी अस्पताल में वो भर्ती थे तो कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था उन्होंने। कुछ शिकायतें थी जो वैशाली में नहीं पूरा हुआ है। अंत समय में उन्होंने राजद को छोड़ा। हालांकि कहा गया कि लालू प्रसाद ने उसका इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया, तो जो पार्टी छोड़ रहे थे उन्होंने जो चिट्ठी दी थी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। वहीं आज रघुवंश बाबू के बेटे सत्यप्रकाश आज जदयू में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं ना कहीं दिक्कतें थी राजद में, जिसके कारण हमारे जो बाबू हैं, मेरे जो बाबू हैं रघुवंश जी, नाराज़ चल रहे थे और खासा नाराज़ थे जदयू को लेकर के, कि जो सिद्धांत से, जो लालू प्रसाद की जो राजद थी उस सिद्धांत से भटक गई थी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सिद्धांत से भटक गई थी, इसीलिए वो नाराज़ चल रहे थे और उनकी बात नहीं मानी जा रही थी राजद में, ये भी कहा गया, जिसके कारण वो आज सत्यप्रकाश आज जदयू ज्वाइन कर लिए। उनसे ये सवाल पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव लड़ने का भाई हमारा कोई निर्णय नहीं है। अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं पहले आपको बता देता, मैं उड़ने वाला नेता नहीं हूँ, ज़मीन पर हमारे पैर रहते हैं। तो तमाम सारे कयासों के बाद आज जो ज्वाइन कर लिया जदयू सत्यप्रकाश, जो कि रघुवंश प्रसाद के बेटे हैं, दिवंगत रघुवंश प्रसाद के बेटे, आज जदयू ज्वाइन कर लिया। तो आप देख रहे हैं भारत लाइव, आप दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं बड़ी समीकरण के साथ, बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।